A very good evening to all of you. A very good evening to all of you. Welcome to Let's Crack Bank Exams Puzzles के session में आपका स्वागत है. कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए क्या हम लाइव हैं? Yeah, we are live. हम्म, hmm. we are live. ठीक. So फटाफट फड़ से एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं और फिर शुरुआत करते हैं ठीक है पजल्स का लेवल अच्छा है कल से थोड़ा सा हाई है कल मैंने हल्का सा लो लेवल रखा था हल्का सा लो लेवल रखा था आज हल्का सा उस लेवल से ऊपर कर दिया है तो पज़ल्स का लेवल आज अच्छा रहेगा ठीक है मज़ा आएगा और उन पजल्स को अगर मैं मतलब अगर ऐसे आपको बताऊं कि उन पजल्स आप बना लोगे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पजल्स हैं हल्के से ऊपर लेवल की लेकिन आप बना लोगे ये मैं मानता हूं हा, हां एक पजल शायद आपको प्रॉब्लम कर दे कंफ्यूजन कर दे आधी आप बना लोगे वो पजल आधी तो आप बना लोगे बट वो पजल थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकती है एक पजल है ऐसी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी लेकिन वैसे आप बना लोगे ठीक है बिकॉज हम ऐसी ऐसी पजल्स बना चुके हैं कि यू आर कैपेबल इनफ और अब दूसरी बात जो लोग नए हैं और पज़ल्स नहीं बना पाते हैं उन्हें समझ नहीं आती है कि पज़ल्स को कैसे अप्रोच करते हैं कैसे बनाते हैं तो भैया आप परेशान बिल्कुल मत होना मेरी इस बात से कि आप बना लोगे आप बना लोगे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बना लोगे पज़ल और आप ना बना पाए तो उस बात से परेशान मत होना क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है सो उस चीज़ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब आपका समय आएगा तब आप ही अच्छे से खेलोगे अभी लर्निंग फेज होगा यार आपका तो लर्निंग फेज में आप मानो कि साहब आप सेंचुरी मार दोगे तो ऐसा थोड़ी चलता है ठीक है लर्निंग फेज में आपको ये पहले आना चाहिए कि आप बैट पकड़ना सीख लो है ना क्रीज पे खड़े होना सीख लो ठीक है हाउ टू डिफेंड द बॉल वो आना चाहिए प्लेसमेंट करना सीख लो ठीक है सो ये सारी चीजें गति जो बॉल की गति है वो कितनी तेजी से आ रही है टिप्पा खाने के बाद वो किधर जा रही है ये सारी चीजें पहले नोटिस कर लो सेंचुरी बात की बात है तो सारे स्टेजेस होते हैं तो अभी आप अगर लर्निंग फेज में हो तो धीरे धीरे सीख जाओगे और फिर आगे आप अच्छा परफॉर्म करने लगोगे ठीक है सो डोंट वरी जितने भी नए लोग हैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ उनको ये सेशन समझ में आता होगा क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि यार आप सभी लोगों को समझ में आए चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हों ठीक है चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जितने भी लोग आ, आते हैं डेली एटलीस्ट वो तो जल्दी जल्दी आ जाए क्योंकि अभी वो लोग नहीं आए जो लोग डेली आते हैं ठीक है ना ओके सो वी विल स्टार्ट सेशन ठीक है चलो अब हम कर ही देते हैं फटाफट से एक बात इमोची भेज दो तो. ना सूखा सूखा पड़ा है चैट बॉक्स थोड़ा सा र, हरियाली क्रिएट कर दो और फिर शुरू कर दे ठीक चलो मेरा नाम शुभम आपका रीजनिंग मेंटोर और मेरे बारे में कुछ भी पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हो ठीक है एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की द कंफर्ट जोन इज नथिंग एल्स बट अ ग्रेव ऑफ योर ड्रीम्स एंड आइडियाज कहने का अर्थात श्री 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 108 कवि यह कहना चाहते हैं कि ये जो कंफर्ट जोन वाला एक माहौल होता है हर एक किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में है जिसकी लाइफ में कभी ऐसा माहौल नहीं आया कंफर्ट जोन वाला हर एक इंसान की लाइफ में आया होगा कभी ना कभी उसने यह चीज महसूस करी जरूर होगी चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे वो एक हम नॉर्मल इंसान हो हर कोई इंसान ये महसूस जरूर करता है लेकिन उसमें बने रहता है या बाहर निकल जाता है तुरंत से वो डिपेंड करता है उसकी कामयाबी ठीक है ना सो कंफर्ट जोन कुछ नहीं है सिर्फ आपकी इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है सबको पता है ना शमशान है आपकी दो ऐसे वो जो पत्थर होता है यहां पे ऐसे खड़ा होता है ना यहां पे लिखा होगा एक ड्रीम्स एक लिखा होगा आइडियाज ठीक है अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टायर्ड होने से पहले की थकान थकने से पहले की थकान इज कॉल्ड लेजीनेस कि बिना थके ही हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि अरे यार थोड़ा सा आराम कर लेते हैं थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे यार, टीवी देख लेते हैं मोबाइल चला लेते हैं थोड़ा माइंड अभी थके नहीं है माइंड फ्रेश कर ले पहले दैट इज कॉल्ड लेजीनेस और वहीं पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है ये कंफर्ट जोन ठीक है सो so, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सो so दैट आप अपने सपने और जो भी आपने आइडियाज अपने लाइफ के लिए सोचे हैं उनको आप पूरा कर सके ठीक चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से कुछ नए बैचेस की शुरुआत होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपकी करंट स्टडी के हिसाब से आपका लेवल जो भी है आप एवरेज हो मतलब कि अभी आप लर्निंग फेज में हो या आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो प्रैक्टिस करना है या फिर आप अच्छे लेवल पे आ चुके हो अब आपको मेंस की तैयारी करनी है उसके हिसाब से आप अपना कोई भी बैच चूज कर सकते हो और उसे शुरू कर सकते हो ठीक है आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी इसका क्या मतलब है अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज तो ये अनडमी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है करना कुछ नहीं है एप्लीकेशन को पहले तो इंस्टॉल कर लो अगर ये पाप कर रखा है कि इंस्टॉल नहीं है एप्लीकेशन फोन में तो सबसे पहले तो जाके अनअकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से ठीक है उसके बाद क्या करना है जो भी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो उस क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल दीजिए और सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपका वो जो क्वेश्चन है वो यूनिक होगा तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल है तो आपको उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में सोल्यूशन दिया जाएगा हर संडे सुबह दस बजे बैंक कॉम्बैट होता है तो आज संडे को बैंक कॉम्बैट हुआ था कोड इस्तेमाल कर सकते हो आप गर्ग जी ए आर जी ठीक है ना सो so, काफी बच्चों का जो है उन्होंने मेरे को रैंक बताई कि, कि किसी की रैंक जो है इस कॉलम में आती है आ, नहीं इस कॉलम में नहीं सिक्सटी थ्री थी एक बच्चे की तो वो इस कॉलम में एग्जिस्ट करता है ना हाँ किसी की दो सौ थी किसी की एक सौ पच्चीस थी किसी की सिक्स सिक्स थ्री थी है ना एक बच्चे की बारह सौ में समथिंग थी तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे ठीक है तो अलग अलग रैंक सबकी आई थी बहुत बढ़िया <coughs> चलो आगे की बातचीत करते हैं सर ऐप पे नहीं लेते हैं पजल्स क्लास नहीं बेटा पजल्स की क्लास यहाँ पे होती है यूट्यूब पे भी तो जरूरी है ना यूट्यूब पे भी तो क्लासेस जरूरी है तो एक क्लास हम youtube पे ले लेते हैं पजल्स की बाकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे लेते हैं ठीक कोई इंसान अगर अंडर ग्रेजुएट है तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिएगा और अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिएगा और दूसरी बात क्या करिएगा क्या करिएगा गर्ग कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा व्हाइल The मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेजुएट के पास में ज्यादा दिमाग होता है तो वो बारह महीने में सीख जाएंगे और के पास दिमाग नहीं होता है इसलिए वो 24 महीने लगा देंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए बस कह रहा हूं क्योंकि to, uh, तो वो जो टेन्योर है वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जब तक वो एलिजिबल हो तब तक उनके पास सब्सक्रिप्शन रहे प्लस वो पहले भी पढ़ते रहें और जब वो एलिजिबल हो जाए तब भी पढ़ते रहें है ना क्योंकि एलिजिबल के बाद भी तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना लेकिन ग्रेजुएट्स एलिजिबल है इसलिए बारह महीने का उनका मैंने बताया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कुछ ऑफर्स चल रहे हैं रिलेटेड उनको देख लीजिए भाई सीईटी ऑफर चल रहा है जिसमें बैंक और एसएससी दोनों का सिलेबस कंप्लीट किया जाता है आरबीआई और नाबार्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो 75 परसेंट ऑफ पर मिल रहा है किस सब्सक्रिप्शन किस के साथ बैंक के सब्सक्रिप्शन के साथ ठीक है प्लस अगर आप अनकेडमी का जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है वो लेते हो एक साल का तो दो महीने दो साल का तो चार महीने आपको फ्री मिल रहे हैं अगर आप सी ऑफर लेते हो इन टेन ईयर्स में तो आपको छ महीने और बारह महीने फ्री मिल रहे हैं और अगर आप आर और नाबार्ड वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं आरबीआई बी इंट्रोडक्टरी ऑफर तो उसमें आपको तीन महीने और छह महीने फ्री मिल रहे हैं ठीक है ये जो वैलिड है वो है इकतीस अगस्त के लिए मतलब इकतीस अगस्त से पहले पहले अगर आप ले लेते हो तब आपको ये चीज का फायदा हो जाएगा वरना नहीं होगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो डेली आपको लाइव क्लासेज मिलती है अगर अभी तक प्रोफाइल फॉलो नहीं करिए भाई तो यार प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लेना और अपने जो स्पेशल क्लास की टाइमिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से साढ़े आठ बजे नॉर्मल क्लास होती है की साढ़े ग्यारह बजे नॉर्मल क्लास होती है इसकी और दस बजे क्या होता है दस बजे होता है हमारा क्या क्या होता है दस बजे दस बजे होता है हमारा रीजनिंग, का पेपर. रीजनिंग का पेपर हम मॉक पेपर वन फिफ्टी फाइव अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं वन फिफ्टी फाइव मॉर्क अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कल हम करेंगे वन फिफ्टी सिक्स मॉर्क और बाकी हजार क्वेश्चन की सीरीज तो आपकी चली रही है साढ़े आठ बजे और साढ़े ग्यारह बजे रिपोर्ट एंड विन इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इस चैनल पर देखते हो तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो रिपोर्ट करने का तरीका क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाना है और क्या करना है आपने क्लिक करके जो भी डिटेल्स मांगी जाए वो फिल कर देनी ठीक है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है ठीक अगर वो रिपोर्ट आपकी सही होगी और आप पहले इंसान हो उसे रिपोर्ट करने वाले तो आपको क्या मिलेगा एमेजॉन वाउचर्स दिए जाएंगे चलो जो तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है क्या है ये जरा देखते हैं सात पर्संस हैं और ये जिम जाते हैं डेली इसमें से कुछ लोग मेल हैं कुछ लोग फीमेल हैं और उनके अलग-अलग वेट हैं अलग-अलग वेट भी हैं और अलग-अलग दिन उनका जो चीट डे है वो हर किसी का वो जिम वालों का होता है ना चीट डे कि वो किस कुछ भी खा सकते हैं उस दिन तो वैसा पूछा तो 5 मिनट का समय दे रहा हूं ट्राई करिए नहीं हो पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैं बैठा हूं यह मत सोचना कि मैं यहां नहीं बना पा रहा हूं तो एग्जाम में कैसे बनाऊंगा यहां आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आप एग्जाम में बना पाओगे सो प्रैक्टिस का सीजन है प्रैक्टिस करते रहो टेंशन का सीजन नहीं है ये सीजन टेंशन का नहीं है सीजन किसका है प्रैक्टिस का तो प्रैक्टिस करो अभी जब टेंशन लेनी हो तब ले लेना ठीक तो अभी प्रैक्टिस करिए वरना फिर टेंशन लेनी पड़ जाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर टेंशन का सीजन आ जाएगा अपने आप तो टेंशन का सीजन ना आए इसीलिए प्रैक्टिस का सीजन अच्छे से ले लीजिए आराम से प्रैक्टिस करनी है हमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं और ज्यादा सोचना नहीं है कि कैसे क्या होगा पांच मिनट का समय है फटाफट से सॉल्व करिए और शेयर कर दीजिएगा इनकेस अगर सेशन नहीं किया है शेयर तो हाँ भाई तो किस किस का डन हो गया कोई है जिसका डन हुआ कोई है क्या जिसका डन हो गया चलो भाई एक मिनट एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आपको मैंने एक मिनट एक्स्ट्रा दे दिया अब इसका आंसर बताइए वट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ एवा एंड आर्या एवा और आर्या के एजेस का वेट का सम बताइए जल्दी से एवा और आर्या के वेट्स का सम बताइए अगर कोई कर पाया है तो और नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं टेंशन नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं बैठा हूं मैं खड़ा हूं सॉरी बैठा नहीं हूं ठीक है आप लोगों के लिए हूं मैं चलिए शुरू करते हैं ठीक एक बार इंस्ट्रक्शंस हाँ ये मेरे को पूछना बहुत जरूरी था ये एक बहुत जरूरी बात थी इसमें पूछने वाली कि आपने यहां पर बेस क्या लिया बेस क्या लिया आपने यहां पर बेस लेते हैं ना कि सर्कुलर पजल है तो सर्किल एक बनाते हैं ठीक है ना ईयर uh, बेस्ड है अगर ईयर्स दे रखे हैं अलग अलग तो ईयर लिख देते हैं हम 1998, 1948 इस टाइप से अगर फ्लोर बेस्ड है तो फ्लोर बना देते हैं नाइन एट सेवन सिक्स फाइव यहां पर आपने बेस क्या लिया ये बहुत कीमती चीज है क्योंकि अगर बेस गलत लिया तो फिर इस क्वेश्चन को करना इज लाइक वेरी टफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए जरा बताओ बेस क्या डेज लिए देख के तो नहीं बोल रहे हो ना कि मैंने वो स्लाइड चेंज करी थी डेज लिए पक्का ना ठीक है अगर खुद से ही आपने डेज लिए हैं तब अच्छी बात है डेज लेके करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रीजन की आपको पता है मंडे के बाद ट्यूसडे ही आना है ट्यूसडे के बाद वेंसडे ही आना है फ्राइडे के बाद सैटरडे ही आना है ठीक है सो तो डेज लेने में आपको एक बेनिफिट रहेगा आगे चलते वेट ऑफ एवा इज थ्री के लेस देन द द वेट ऑफ़ पर्सन हुज चीट डे कम्स फोर डेज आफ्टर एवा ठीक है यहां पे एक चीज जो मैं लिख रहा हूं उस पर अगर डाउट आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर यहां पे डाउट है हमको ठीक है ना क्या लिखा है कि एवा का जब भी चीट डे होता है उसके बाद फोर्थ डे पर जिसका भी चीट डे होता है उससे एवा के जो वेट में फर्क है वो कितना है तीन के कमी है थ्री माइनस में है थ्री माइनस में है ठीक है तो यहां पे अगर आपको ये डाउट आए कि सर यहां तो फोर डेज लिखा था कहां लिखा है यहां तो फोर डेज लिखा था लेकिन आपने सिर्फ तीन दिन बनाए और चौथे दिन वाले को कर दिया तो यहां पर तीन क्यों यहां पर चार क्यों नहीं लिया आपने अगर ये डाउट है तो फटाफट से यार एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे बताने में कोई टेंशन नहीं है मैं बस ये जानना चाहता हूं कि किसको ये प्रॉब्लम है अभी किसको ये प्रॉब्लम है बिंदास लिखना डांटने चिल्लाने वाला काम मेरा नहीं है और अगर मैं चिल्ला भी देता हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए तुम तो कैमरे के उधर हो ना क्या फर्क पड़ना चाहिए बिंदास एक बार पूछ लोगे मैं बता दूंगा तो एटलीस्ट डाउट तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ठीक है तो बिंदास पूछ लेना अगर ये डाउट हो तो बट थ्री के इज मोर देन द पर्सन चीट डे कम्स टू डेज आफ्टर एवा तो एवा के बाद में टू डेज बाद में मतलब सेकेंड डे पर जो है पर्सन उससे तीन ज्यादा है किसका एवा का ये बात आपको याद रखनी है कि यहां जो प्लस थ्री है और माइनस थ्री है ये एवा का वेट है कि एवा का वेट इससे तीन कम है और एवा का वेट इस इंसान से तीन ज्यादा है ये बात याद रखनी है आगे चले चलो फिर क्या लिखा है चीट डे कम्स टू डेज आफ्टर एंथोनी तो एंथोनी का कभी भी होगा चीट डे एंथोनी तो चीट डे कम्स टू डेज आफ्टर एंथोनी तो एरोन यहां पे आ जाएगा आफ्टर एंथोनी है ना तो एंथोनी और एरॉन के बीच में एक दिन का कैप हो गया बट टू डेज बिफोर एमिलिया तो बट जब लग जाता है बट जब लग जाता है या फिर बट की जगह पर एंड लग जाता है तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के लिए लगता है ये जो बट से ये बट क्या है ये बट दो सेंटेंसेस को जोड़ने का माध्यम है है ना अगर हम शुद्ध तरीके से समझें तो तो यहां पे टू डेज बिफोर एमिलिया ये दूसरा सेंटेंस है इसको किससे जोड़ा जाए एरॉन से जोड़ा जाएगा एरॉन्स चीट डे कम्स टू डेज आफ्टर एंथोनी बट टू डेज बिफोर एमिलिया मतलब कि Aaron का ही डे जो है वो एमिलिया से दो दिन मतलब दूसरे दिन पे है पहले में दूसरे दिन पहले पे ठीक है ना तो यहां पे ये एक सिनेरियो है टिक लगा दो जिससे ये पता चल जाए कि एवा ऊपर है और ये पर्सन नीचे है एवा ऊपर है ये पर्सन नीचे एमिलिया नीचे है एंथोनी ऊपर है ठीक है. है आगे चलते हैं फीमेल अच्छा तो एमिलिया क्या है एमिलिया एक महिला है फीमेल ठीक है एमिलिया क्या है एक महिला है चलो एवरेज वेट ऑफ ऑल द फीमेल्स इज फोर्टी नाइन फीमेल्स है कितनी फीमेल्स हैं कितनी फीमेल्स है थ्री जरा एक बार देखो फीमेल्स कितनी है रेस्ट आर फीमेल्स तो फोर ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स लोग कितने सात तो चार लड़के और फिर तीन लड़कियां हैं ठीक तो अगर 49 एक एवरेज है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वेट आ जाएगा फोर थ्री 12 ट्वेल्व वन ट्वेंटी नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सेवन हो गया वन फोर्टी सेवन ठीक है तो ये हो गया एक एवरेज वेट सॉरी ये हो गया एक टोटल वेट किसका ऑल दी फीमेल्स का आगे चलते हैं फिर क्या लिखा है वन ऑफ मेल हुज़ वेट इज फिफ्टी टू ऑफ वेट

ये दोनों के दोनों कौन है मेल है आगे चलते डे हु इज़ के जी ऑफ वेट कम्स ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एवा तो एवा के बाद में किसका आता है? एडिन का आता है है का डे और ये पचास किलो के हैं ये पचास किलो के हैं अब किस दिन आता है एडिन का चीट डे एवा के दिन के कि, किस दिन पे आता है पता नहीं है बस ये है कि एवा के बाद में आता है कितना बाद में आता है? नहीं पता ठीक है चलो ओके आगे चलते हैं आगे की कहानी जरा देखें फटाफट से ठीक यहां पे देखेंगे लिखा है द वेट ऑफ एविगेल इज ट्वेंटी सिक्स मोर देन एरिया भैया एरिया इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है कैसे लिख सकते हैं चलो यहीं पे लिख देता हूं एविगेल माइनस एरिया इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स सही है इस बात में दो चीजें छुपी हैं एक तो यह छुपा है कि एबिगेल और एरिया का जो डिफरेंस है वेट्स का वो ट्वेंटी सिक्स है प्लस दूसरी बात एक छुपी है कि एबिगेल हैवियर है एरिया से क्यों क्योंकि एविगेल माइनस एरिया लिखा है तब पॉजिटिव वैल्यू आई है ना यहां पे लिखा भी है कि

और यहां पे लगा देंगे ये सब कुछ टिक चल रहा है सही एंड बोथ आर ऑफ ऑपोजिट जेंडर अच्छा तो ये दोनों के दोनों क्या हैं ये दोनों के दोनों ऑपोजिट जेंडर के हैं नो फीमेल हैज चीट डे ड्यूरिंग वीकेंड मतलब कि यहां पे कोई भी क्या नहीं है यहां पे कोई भी आ, फीमेल नहीं है तो यहां पे कौन होगा मेल होंगे ये दोनों कौन होंगे ये दोनों क्या होंगे मेल होंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेल और यहां लिख देता हूं मेल और यहां पे फीमेल्स और मेल्स का दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा सही है यहां पे फीमेल्स और मेल्स दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा अब ये सारी आपने जो चीजें थी नोट कर ली हैं अब कौन से पॉइंट से शुरू करें यहां पर यह समस्या हो सकती है आपको क्यों क्योंकि कि किसी भी पॉइंट से शुरू करने का एक ठोस जरिया नजर नहीं आ रहा होगा ठीक है चलो ओके आप लोग ने किस पॉइंट से शुरू किया आप मेरे को बता देना मैं आपको बता रहा हूं कि पॉइंट कौन सा है जिससे शुरू करना चाहिए भाई देखो एंथनी एमिलिया एमिलिया फीमेल है लोग कितने कवर हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच पांच प्लेसेस कवर हो रही हैं जिसमें से आपको यह बताया है कि हाँ सैटरडे और संडे को मेल्स हैं फीमेल्स नहीं है तो जब ये पांच लोग कवर हो रहे हैं तो फ्राइडे से ही आप शुरू कर सकते हो एमिलिया एरॉन एंथनी एकदम सटीक शुरुआत है इससे मतलब मेरे हिसाब से नाइनटी परसेंट लोगों ने इससे शुरुआत करी होगी अगर उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया ठीक तो। है ना एंथनी एमिलिया से करें तो आसान होगा बिल्कुल सही एग्जैक्टली exactly. तो करेंगे हम एमिलिया लिखेंगे ठीक है यहां पे आ जाएगा एरोन और यहां पे आ जाएगा एंथनी जिसमें से एमिलिया क्या है एमिलिया एक फीमेल है सही इतना तो सही है ना अब क्या करें भाई वॉट टू डू नाउ भाई देखो एवा के नीचे एक दो तीन चार मिनिमम चार लोग तो हैं एवा के नीचे एक दो तीन चार मिनिमम चार लोग हैं ठीक है तो अगर एवा के नीचे मिनिमम चार लोग हैं तो एवा कभी थर्सडे पर आ पाएगा नहीं क्योंकि उसके नीचे तीन लोग हो जाएंगे तो एवा को मुझे मजबूरी में ट्यूसडे को ही रखना पड़ेगा बोलो हाँ ट्यूसडे को ही रखना पड़ेगा ठीक है ओके अब आपको एक बात बताई है कि एरिया और एबिगेल एरिया और एबीगेल क्या है एरिया और एबिगेल क्या है दो के गैप पे है एरिया और एबिगेल क्या है दो के गैप पे है तो दो के गैप पे यहां पे कहां पे आप एरिया और एबिगेल को रख सकते हो भैया मेरे हिसाब से तो एरिया और एबिगेल यहीं पे आ सकता है और कहीं तो आ नहीं सकता ठीक है इसके बाद आपको पता है कि एवा के नीचे एडिन है तो एडिन यहां पे आ जाएगा कहां पे? एडिन यहां पे आ जाएगा ये भाई साहब कितने आ, केजी के हैं या वेट इनका क्या है फिफ्टी के अच्छा एक और चीज आपको बताई गई थी कि एरिया और एबिगेल ऑपोजिट जेंडर के एरिया और एबिगेल ऑपोजिट जेंडर के हैं जब एबिगेल मेल है तो एरिया क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी बोलो हां फीमेल हो जाएगी ठीक है अब दूसरी बात दो फीमेल हो गए दो मेल हो गए अभी सिर्फ एक फीमेल बची है वो हम पता कर लेंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा लेकिन वो हम बाद में देखते अभी और चीजें देखेंगे अब कौन से पॉइंट को उठाया जाए इस पॉइंट को उठाने की कोशिश करो कि 52 और 68 को मैं कहां रख सकता हूं क्योंकि जब तक मेरे को वेट्स नहीं पता चलेंगे तब तक मैं ये प्लस थ्री माइनस थ्री नहीं कर पाऊंगा प्लस थ्री माइनस थ्री करने के लिए एक वैल्यू तो चाहिए ना तो ये 52 और 68 को कहीं पे सेट करना बहुत जरूरी है कैसे सेट करोगे ये समझो 52 और 68 दोनों क्या है? हैं 52 और 68 दोनों क्या है दोनों के दोनों मेल्स हैं कहां पे आ सकते हैं भैया 52 68 ऐसे आ पाएंगे क्या मतलब फ्राइडे और संडे नहीं आ पाएंगे थर्सडे और फ्राइडे को तो सवाल ही नहीं उठता तो एक यही ऑप्शन बचता है कि सिक्सटी एट यहां पर रखें और फिफ्टी टू यहां रखें इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो ये हो गए मेल ये हो गए मेल ये मैडम बची हैं ये फीमेल फीमेल हो 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 गए 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 तो मेल फीमेल सारे हो सारे पर्सन अभी सिर्फ वेट बचे हैं हैं सिर्फ वेट बचे ठीक है।, है अब आपको एक बात बताई गई है कुछ तो बताया गया होगा ठीक ये बताया गया है कि भैया फीमेल्स का जो टोटल वेट है वो क्या है वन है अभी आपको फीमेल्स का वेट पता चल रहा है अभी किसी का भी वेट नहीं पता चला है ना ओके अभी किसी का भी वेट नहीं पता चला है ओके okay. ठीक <laughs> है किसी भी फीमेल का वेट नहीं पता चला है ना अभी एडन एडन हो गया फिफ्टी कुछ गलत किया है क्या इज देर समथिंग रॉन्ग वैसे तो सब कुछ सही है बट फिर भी एक बार देखो कुछ गड़बड़ है क्या कुछ तो गड़बड़ लग रही है Hmm. एवा के नीचे अच्छा हाँ ये हो तो गया सही मैं कहा दिमाग है मेरा भाई देखो एवा यहाँ पे है और तीन पर्सन छोड़ के जो चौथा पर्सन है उससे माइनस थ्री करना है एवा में ये जो चौथा पर्सन है उससे माइनस थ्री करना है एवा में तो जरा देखो चौथा पर्सन है क्या एवा के बाद में एक दो तीन ये चौथा पर्सन है इससे माइनस थ्री करना है एवा में तो माइनस थ्री करेंगे फोर्टी सेवन आएगा है ना एवा में क्या करना है एक दो तीन तीन पर्सन छोड़ के जो चौथा पर्सन है उससे माइनस थ्री करना है एवा में तो फिफ्टी से माइनस थ्री गया फोर्टी सेवन आ गया ठीक है अभी जो दूसरा पर्सन है एवा के नीचे जो दूसरा पर्सन है उसमें क्या करना है? सही है एवा का कम था ना यहां पर एवा का यहां पर ज्यादा है तो उससे क्या करना है यहां पे माइनस करना होगा तो 47 सेवन माइनस थ्री करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा 44 आ गया ठीक अब आपको दो फीमेल्स पता चल गई जिनका वेट क्या है 47 और 44 दोनों को जरा ऐड करो दोनों को ऐड किया हमने कितना मिलेगा 80 एंड 91 और 91 इसको जरा माइनस करेंगे तो यहां बचेगा सिक्स और यहां बचेगा फाइव तो फिफ्टी क्या आ जाएगा थर्ड फीमेल का वेट आ जाएगा क्या आ जाएगा फिफ्टी थर्ड फीमेल का वेट आ जाएगा ठीक है अब आपको एक बात बताई गई थी कि एबीगेल ज्यादा है एरिया से एरिया का वेट पता है ठीक है? है है? है। ज़्यादा 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 एरिया से कितना है? 26 है। तो जरा में 26 करने की कोशिश करते हैं पचास प्लस बीस सत्तर तो सत्तर आ जाएगा यहाँ पे आंसर ये बन के तैयार हो गया सही है हाँ एवा से निकाल लेंगे वो आ, एमिलिया फ्राइडे हाँ सही एमिलिया फ्राइडे सही 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 ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं वो आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे बट है बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है ना तो ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है और ये क्वेश्चन देखो बना लोगे बना लोगे क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस थोड़ा सा एंड में जाके कहीं पे आपको कंफ्यूजन uh, क्रिएट हो जाएगा कि आप कैसे करें क्या करें और अगर uh, आसानी से बनाया मतलब कि सब कुछ क्लियर क्लियर लिख के बनाया एकदम सटीक तरीके से एक एक चीज अलग अलग क्लियर क्लियर लिख के बनाया तब बना लो तो थोड़ा सा यहां पे आपको नीट एंड क्लीनलीनेस की जरूरत है इस पजल को बनाते टाइम पे जो वो कहते हैं ना वो सब मिक्सअप कर देते हैं वैसा अगर बनाओगे तो फिर नहीं बन पाएगा तो थोड़ा सा आपको यहां पे उस टाइप से एक डिसेंसी चाहिए होगी इस पजल ये पजल जो है वो डिसेंसी डिमांड करती है कि सब कुछ साफ सुथरा बनाओगे तभी मैं बनूंगी कुमार कुमार चौधरी कुमार चौधरी बेटा वीकेंड सैटरडे संडे ही होता है वीकेंड सैटरडे संडे ही होता है दिस इज द फैक्ट वीक एंड का क्या मतलब है वीक डेज और वीक एंड ये दो टर्म्स आपने पढ़े होंगे वीक डेज क्या होते हैं जो हफ्ते के दिन हैं जिसमें वीक डेज मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं जिसको बोला जाता है मंडे टू फ्राइडे और वीक एंड जब हफ्ता खत्म हो रहा है तो हफ्ता जब खत्म हो रहा है तो वो सैटरडे संडे बोला जाता है वीकेंड है ना लोग कहते हैं ना कि यार आज वीकेंड है कहीं घूमने चलते हैं तो वीकेंड मतलब कि सैटरडे संडे है उनकी ऑफिस की छुट्टी है तो वो घूमने जा रहे हैं तो वीकेंड इज द स्टेटेड फैक्ट सैटरडे संडे ही होता है वो हाँ भाई किसी का डन हुआ क्या कोई है जिसका डन हो गया जल्दी बताओ एनी वन और यह सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा बताइए साढ़े छह मिनट हो चुके हैं चलो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा क्या होगा इसका आंसर हु रिपोर्ट ऑन फोर्थ ऑफ द मंथ क्या होगा इसका आंसर hmm. सरेंडर ये बढ़िया था सरेंडर जी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू जी चलो चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है चलो ओके सो क्वेश्चन अच्छा था ना मजेदार था अभी देखते हैं सोल्यूशन कैसे करें ठीक है ध्यान से देखिए एक बार पीछे जाते हैं पढ़ते हैं लिखा है एड स्टूडेंट्स एबीसीडी एफ जी एच डिफरेंट मार्क्स उनके अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आए हैं ठीक है ना अलग अलग पर्सन के अलग अलग मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स uh, में आए हैं और एट डिफरेंट टॉपिक्स हैं एस वन एस टू से लेके एस एट तक और सबिशन ऑफ डेट जो है अलग अलग डेट पे उन्होंने सबमिट किया है ठीक है ना रामायण काफी ज्यादा है लेकिन हम संभाल लेंगे क्यों क्योंकि हम एक अच्छे बच्चे हैं राइट तो हमने क्या किया है सभी डेट्स लिख ली हैं यहां पे उनके पर्सन के नाम एबीसीडी एफ जी एच आ जाएंगे और यहां पे उनके क्या आ जाएंगे प्रोजेक्ट आ जाएंगे एस वन से लेके एस एट तक ठीक है अब रही बात की किसके मार्क्स ज्यादा हैं किसके मार्क्स कम है वो एक अलग तरीके से हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर हम यहीं पे मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो उसको हम अलग तरीके से वो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूरा करोगे ना ये पढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो अलग से ही निकालना पड़ेगा जैसे कि हम ऑर्डर रैंकिंग बनाते हैं ना कि किसके मार्क्स ज्यादा है किसके कम है वो एक अलग कॉलम में आपको क्रिएट करना पड़ेगा अलग से ही ठीक है उसके हिंट्स भी अलग रखने पड़ेंगे उसके हिंट्स भी अलग रखने पड़ेंगे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग हिंट बनेंगे और वैसे कि किसने पहले सबमिट किया किसने बाद में सबमिट किया वो एक अलग हिंट बने क्योंकि दोनों हिंट्स मिक्सअप हो जाएंगे और फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसमें अब देखिएगा आपने कुछ चीजें मिस करी होंगी उत्कर्ष कह रहे हैं ऑप्शन नंबर टू अच्छा ऑप्शन नंबर टू जी का ही एक वो आ रहा है कि जी ऑप्शन है ठीक है अब कुछ लोगों ने एक चीज मिस करी होगी वो मैं बताऊंगा क्या चीज मिस करी अभी अभी देखना आप वो बहुत अच्छी चीज है जो आपने मिस कर दी होगी एच द मंथ ठीक है H, जिसने पांचवी तारीख को मंथ के रिपोर्ट सबमिट करी है वो क्या है गॉट लेस मार्क्स देन बी अब जरा एक चीज हम करते हैं यहां पे हम ऊपर हिंट बनाएंगे किसके ऊपर हम हिंट बनाएंगे समिशन के कि किसने पहले समिट किया किसने बाद और नीचे हम हिंट बनाएंगे किसके कि किसके मार्क्स ज्यादा है किसके कम है तो लिखा है कि जिसने पांच तारीख को समिट किया जैसे कि एच है गॉट लेस मार्क्स देन बी मतलब कि एच गॉट लेस मार्क्स देन बी सही है फिर क्या लिखा है बट मोर देन ए मतलब एच गॉट मोर देन ए इस बात में कोई भी डाउट नहीं होगा आगे चले फिर एक बात लिखी है द वन हु समिटेड द रिपोर्ट ऑन एस एट टॉपिक गॉट द लोएस्ट मार्क्स तो एस एट भाई साहब को क्या मिले हैं लोएस्ट मार्क्स मिले हैं सही है ये सब मार्क्स के बेसिस पे चल रही नीचे ऊपर हम अरेंजमेंट के बेसिस पे कर देंगे डी समिटेड द रिपोर्ट ऑन सिक्स ऑफ द मंथ तो डी ने सोलह तारीख को सबमिट किया है द वन सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टेन डेज बिफोर ए अच्छा, द वन सबमिटेड द रिपोर्ट टेन डेज बिफोर ए गॉट लेस मार्क्स देन बी अब समझना कोई एक इंसान है जिसने ए से ए फॉर एप्पल से दस दिन पहले दस दिन पहले रिपोर्ट सबमिट करी है ए सोलह को तो आ नहीं सकता है ए अगर चौदह को आया तो चौदह से दस दिन पहले चार तारीख अवेलेबल है ए अगर तेरह को आया तो उससे दस दिन पहले तीन तारीख अवेलेबल नहीं है तो ए कहां पे आ जाएगा इस बात से समझ में आ गया ना आपको ए कहां पे आ जाएगा ए यहां पे आ जाएगा दूसरी बात द वन हु सबमिटेड द रिपोर्ट टेन डेज बिफोर ए लेस मार्क्स देन बी मतलब कि बी से किसके मार्क्स कम है बी से किसके मार्क्स mark... बी से किसके मार्क्स कम है उस इंसान के जो कि फोर्थ तारीख को समिट कर रहा है अपना जो हम ठीक है बट मोर देन एच मतलब कि इस इंसान के जो फोर्थ तारीख को समिट कर रहा है उसके मार्क्स एच से ज्यादा है सही है सही है कि फिर से एक बार पढ़ लो अगर आपको डाउट आ रहा है द वन हु सबमिटेड द रिपोर्ट टेन डेज बिफोर ए मतलब इस इंसान के बारे में बात हो रही जो चौथी तारीख को सबमिट कर रहा है ये इंसान गॉटलेस मतलब जो इसको एक्स मान लो एक्स इंसान गॉट लेस मार्क्स देन बी गॉट लेस मार्क्स देन बी बट मोर देन एच बट मोर देन एच अब जरा इन दोनों को ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो मुझे नहीं पता इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या समझ में आएगा कि एच कम है सॉरी ए कम है एच से और एच कम है बी से यहां पे देखो एच कम है फोर से और फोर कम है बी से मतलब कि एच और बी के बीच में फोर आ जाएगा एच और बी के बीच में फोर आ जाएगा जरा इन दोनों को मैं एक कर दू बताओ भाई इन दोनों को एक कर दूं एच और बी के बीच में फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फोर्थ तारीख को जो बंदा सबमिट कर रहा है अपना प्रोजेक्ट ठीक है भाई इन दोनों को मैं एक कर देता हूं फोर्थ तारीख और फिर आ जाएगा बी है ना पूरा एक लाइन में यहां पे कोई तकलीफ होगी नहीं आपको फिर भी अगर हो तो बोल देना आगे चलते फिर लिखा है सी सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन एस सिक्स टॉपिक वन डे बिफोर बी तो बी मेरे को पता नहीं तो बी से एक दिन पहले सी ने सबमिट करी है रिपोर्ट कौन से टॉपिक पे एस सिक्स टॉपिक सही आगे चलते हैं ओनली वन पर्सन गॉट मार्क्स मोर देन डी एंड लेस देन सी मतलब कि सी से कम एक इंसान और डी से ज्यादा भी एक इंसान है कहने का अर्थात यह है कि सी और डी के बीच में सिर्फ एक इंसान आया है जो मार्क्स के बेसिस पे हमने रखा है कि सी के मार्क्स जितने हैं मान लीजिए चार हैं डी के मार्क्स मान लीजिए छ हैं तो एक ही इंसान होगा जिसके मार्क्स पांच होंगे बाकी और कोई नहीं मतलब बीच में एक ही इंसान होगा ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं जरा मुझे बताओ सी और बी अभी मैं रख सकता हूं हाँ या ना सोनम वर्मा जी हेलो डियर गुड इवनिंग क्या मैं अभी सी और बी को रख सकता हूं सी फॉर चेन्नई बी फॉर बॉम्बे क्या मैं अभी सी और बी को रख सकता हूं कहीं पे भी कहीं पे भी मैं सी और बी को सेट कर सकता हूं क्या जरा एक बार बताना आगे चलते हैं हो सकता है शायद रख पाए हो सकता है नहीं रख पाए ठीक है एक बार जरा आप बताना कि सी और बी को हम क्या रख सकते हैं आगे क्या लिखा है आगे लिखा है डी हु सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन एस फोर टॉपिक डिड नॉट गॉट द लोएस्ट मार्क्स तो डी के जो है लोएस्ट यार एस एट लोएस्ट है और डी एस फोर है तो इस बात को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है बस ये लिख देते हैं कि डी जो है वो एस फोर है डी क्या है एस फोर है डी क्या है एस फोर है ठीक है ना अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है कि क्या मैं सी और बी को रख सकता हूं सी और बी को ई सबमिटेड द रिपोर्ट नीदर ऑन फोर्थ नॉर ऑन इलेवेंथ तो ये एक्स पहले हटाओ ये एक्स तो हमने ऐसे लिख दिया था ठीक है ना ई e जो है वो चौथी तारीख को नहीं है और इलेवेंथ तारीख को क्या लिख रहा हूं ई e जो है वो चौथी तारीख को नहीं है और इलेवेंथ तारीख को नहीं है सही है क्लियर है आगे चलते हैं चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया ना ओके okay. मतलब जैसी उम्मीद थी मुझे वही हुआ कि आप लोगों ने वो चीज मिस कर दी गॉट मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं हाइएस्ट हाइएस्ट मार्क्स ठीक है ओके okay. अभी जरा एक चीज देखते हैं अभी तक आंसर नहीं आया किसी का चलो अभी एक चीज देखते हैं जरा यहीं पे होल्ड करेंगे यहां पे यहां पे हम होल्ड करेंगे और ऊपर की कुछ लाइनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कौन सी एक लाइन को पढ़ने की सी और बी वाली वो मिस कर दी आपने ठीक है वो लाइन क्या है जरा ये देखो लिखा है सी समिटेड द रिपोर्ट ऑन एस सिक्स वन डे बिफोर बी मतलब मतलब या फिर आगे चलने दो ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा जब ए और डी वाला कांड होगा

यहां पे लिख दो s5 सही पहली बात दूसरी बात क्या लिखी है ए सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन s5 टॉपिक बिफोर टू डेज बिफोर डी जरा दोनों के बीच में देखना कितने दिन का गैप है जरा दोनों के बीच में देखना कितने दिन का गैप है ये चीज मिस कर दी होगी कुछ लोगों ने भैया 16 फिर 15 आएगा फिर 14 आएगा ना तो बीच में 15 मिस है ना तो दो दिन पहले हो गया कि नहीं हो गया हो गया कि नहीं हो गया ए डी से दो दिन पहले हो गया कि नहीं हो गया बोलो भाई ए डी से दो दिन पहले हो गया कि नहीं हो गया तो बस वही चीज हमको यहां पे देखनी थी कि C और D में, C और B में में डे बिफोर बोला है वन डे बिफोर बोला है मतलब कि तुरंत तुरंत आने चाहिए जैसे कि फोर फाइव जैसे कि सेवन एट जैसे कि थर्टीन फोर्टीन ये इलेवन थर्टीन एट इलेवन फाइव सेवन ये नहीं हो सकते कभी भी सी और बी के लिए कौन कौन हो सकते हैं फोर फाइव हो सकता है सेवन एट हो सकता है थर्टीन फोर्टीन हो सकता है समझ में आई इतनी बात सेवन एट को सी बी आएगा एग्जैक्टली सेवन एट को सी बी आएगा हाँ सी सेवन पे और बी एट पे exactly बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब आया आंसर ठीक है तो सी और बी यहां पे आ सकता है और कहीं पे नहीं आ सकता और सी क्या है S सिक्स है ठीक है ना ये टू डेज बिफोर हो गया है यहां पे ये यह मत सोचना यार D से तो तुरंत पहले A आ गया है यहां तो टू डेज बिफोर है हमारा तो गलत हो गया नहीं सोलह के बाद सोलह से पहले पंद्रह आता है और फिर चौदह आता है तो ये दो दिन का गैप हो चुका है यहां पर ठीक है हाँ चलो तो अब इस चीज को भी लिख सकते हो क्या इस चीज को टू और एस वन लिखा गया है रिपोर्ट ऑन एस वन टॉपिक इज समिटेडरिपोर्ट टू एस टू तो एस S2 टू के तुरंत तुरंत बाद बाद में S1 है, S2 के बाद में S1 है। तो S2 के पे आ सकता और कहीं नहीं आ सकता फोर फाइव एस वन के तुरंत बाद में एस टू आएगा यहां पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं पे भी नहीं रख पाओगे आप जरा देख लेना ठीक है ओके okay. इतनी बात हो गई ठीक आगे चलते फिर क्या लिखा है ठीक एंड ई गॉट मोर मार्क्स देन फोर पर्सन मतलब कि ए सबिटेड टॉपिक टू डेज बिफोर डी एंड जरा एक चीज देखते हैं यहां पे एक चीज को कर लेते हैं फटाफट से एक चीज को कर लेते हैं कि पहला पर्सन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और फिर पांचवा आएगा और फिर आ जाएगा छठा फिर सातवा और फिर आ जाएगा आठ ऐसे होगा ना तो आपको यह बोला है कि ए गॉट मोर मार्क्स देन फोर पर्सन तो चार लोगों से ज्यादा ए के मार्क्स हैं चार लोगों से ज्यादा ए के मार्क्स हैं तो ए चौथे स्थान पे होगा नीचे से ऊपर से और नीचे से पांचवें स्थान पे होगा सही है एफ गॉट लेस मार्क्स देन जी तो एफ गॉट लेस मार्क्स देन जी बट नॉट द लीस्ट बट नॉट लीस्ट अच्छा लीस्ट कौन है जरा ये बता दो लीस्ट कौन है लीस्ट है एस एट तो एस एट आठवें स्थान पे होगा है ना और मैक्सिमम कौन है एस सेवन तो एस सेवन क्या होगा यहां पे होगा और एक और बात बोली है कि बट नॉट द लीस्ट मतलब कि एफ जो है वो सबसे कम मार्क्स स्कोर नहीं करता है तो एफ यहां पे नहीं आएगा इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हटके है या जहां पर आपने दिमाग लगाया हो ये सब नॉर्मल चीजें थी जो हमने ऊपर से उतार के नीचे लिख दी है बोलो भाई समझ में आ गया हाँ या ना है ना इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अब जरा देखते हैं चीजों को मैच करने की कोशिश करते हैं हमने ये भी यूज कर लिया ये भी यूज कर लिया मतलब अरेंजमेंट के लिए जितनी भी कंडीशंस थी वो सब हम यूज कर चुके हैं अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ बचा नहीं हमें क्या करना पड़ेगा ऑर्डर पहले बनाना पड़ेगा क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं बनाएंगे तब तक यहां पे हम सारी चीजों को और सेट नहीं कर पाएंगे अच्छा एक चीज हम रख सकते हैं दैट इज ई ई इलेवेंथ पे नहीं है तो ई e पे ही होगा हाँ या ना अच्छा तो रखने के लिए हमारे पास में कौन कौन से पर्सन बचे हैं जरा देखो ए बच ए हो गया है बी सी डी ई एफ बचा है जी एच तो एफ और जी हमारा अभी रिमेनिंग है पहली बात ये दो हमारे यहां पे इलेवन और फोर पे आ जाएंगे इसके बाद अगर हम यहां पे देखें प्रोजेक्ट कौन कौन से बचे हैं तो वन टू थ्री बचा है फोर फाइव सिक्स सेवन एट बचा है तो थ्री सेवन और एट ये तीन हमारे प्रोजेक्ट बचे हैं जो यहां पे हमें सेट करने हैं इतना बात समझ में आ गया ना ये हमारे रिमेनिंग है अभी ओके अब जरा इस चीज को नोटिस करो इस चीज को A से बड़ा है एच एच से बड़ा है फोर्थ प्लेस वाला इंसान और फोर्थ प्लेस से बड़ा है बी ए से बड़ा तीन ही लोग होंगे बड़ा है कौन है एस वन है तो यहां पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहां पे मैं लिख दूंगा एस वन और इससे बड़ा है बी सही है ना अरेंजमेंट सही चल रहा है बी हो गया एच हो गया ए हो गया इतना सही है अच्छा अब यहां पे कौन आएगा यहां पे इस जगह पर सेकंड प्लेस पे कौन आएगा जो यहां पे होगा और यहां कौन होगा जो यहां पे होगा वही तो आएगा ना वही तो आएगा ना फोर्थ डेट पर जो भी सबमिट कर रहा है अपना आ, प्रोजेक्ट वही तो आएगा यहां पर और फोर्थ डेट पर कौन सबमिट कर रहा है हमें अभी पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि एफ और जी में से ही कोई होगा है ना ठीक है तो जरा इस चीज को देखो एफ इज लेस देन जी या फिर एफ स्कोर लेस जी आखिरी लाइन लिखी थी एफ गॉट लेस जी तो एफ गॉट लेस मार्क्स देन जी तो अगर एफ गॉट लेस मार्क्स देन जी है तो क्या कभी एफ यहां पे आ पाएगा नहीं क्योंकि अगर एफ यहां पे आ गया तो जी कहीं पे इधर आएगा और एफ ग्रेटर देन जी हो जाएगा चूंकि गलत हो जाएगा तो यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा जी रखना पड़ेगा इतना सही है ना यहां पे हमें जी रखना पड़ेगा यहां पर तक तो सही होगा मेरे हिसाब से अगर डाउट हो तो पूछ लेना अभी जी आ गया है तो मैं यहां पर जी फिल कर दू और ही यहां मैंने जी फिल किया तो यहां पर एफ को मैंने फिल कर दिया इतना सही ओके एफ यहां पर आ गया ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं सी और डी में एक का गैप है क्या है सी और डी में एक का गैप है अच्छा एर्थ नंबर पे जो आखिरी है एफ आ, एक बात बोली थी ना क्या बोला था चलो कुछ नहीं छूटा है ना ठीक है अब मुझे एक बात बताओ यहां पे एक बात बोली थी कि एफ एस एट नहीं है एफ एस एट नहीं है ठीक है ना तो यहां पे कभी एस एट आ पाएगा बोलो भाई एस एट आ पाएगा यहां पे एफ की जगह पर एस एट आ पाएगा नहीं आ पाएगा क्यों क्योंकि मना किया है एफ एस एट नहीं है या फिर एफ लीस्ट नहीं है ठीक है ओके एस एट नहीं है तो ये तो हो गया भीड़ से खत्म एस एट तो नहीं होगा अभी थ्री और सेवन बचा है तो एफ की जगह पर थ्री और सेवन में से कौन आ सकता है सेवन आ पाएगा क्या जरा बताओ सेवन आ पाएगा सेवन आ पाएगा नहीं क्यों सेवन क्या हो गया Seven, क्या हो गया, गया बी को दे दिया है तो एफ के लिए क्या बचा क्यों क्योंकि एस सेवन हो नहीं सकता, सकता, सकता क्योंकि बी को दे दिया है तो बचा एस थ्री जो कि यहां पर आएगा बी का मुझे पता है एस सेवन यहां पर लिखा हुआ है एस सेवन यहां आ जाएगा और बचा हुआ क्या है वही बच्चा है कौन सा एस एट एस एट यहां पर आ गया जब एस एट यहां आया तो ई e मिल गया ई e मिल गया मतलब कि सबसे कम स्कोरर है ई e. सबसे कम स्कोरर है ई e. और उसके बाद हमको यह बोला गया था कि सी और डी में से C, C से एक कम है और डी से एक ज्यादा है मतलब कि सी और डी में एक का गैप है और सी ज्यादा है डी कम है तो यहां पे क्या आ जाएगा सी और यहां पे क्या आ जाएगा डी और यहां बीच में कौन होगा सिक्स्थ नंबर पे जो इनमें नहीं है कौन नहीं है ए B, C, A, B, C, D, E, F, G, F यहां पे आ जाएगा और F यहां से भी आप ले सकते थे एस थ्री जो कि नहीं है अच्छा यहां पे मैं सारे प्रोजेक्ट्स लिख दूं H को क्या प्रोजेक्ट मिला है S2 मिला है A को क्या मिला है S5 मिला है C को क्या मिला है S6 मिला है सोल्यूशन समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा लगा जरा बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एस फोर यहां पर आ जाए ना पटावट से जरा बताओ सोल्यूशन समझ में आ गया और क्वेश्चन कैसा लगा कंफ्यूजिंग था या नहीं था और अब क्या कंफ्यूजिंग रहा अब क्या कंफ्यूजिंग रहा सारी चीजें हो गई ना ठीक है बताओ सर डी की कंडीशन डी की कंडीशन कौन सी डी की कंडीशन बेटा यही वाली कह रहे हो शायद आप सी और डी वाली ना सीओ डी वाली मैं तब मैंने इसीलिए उसको होल्ड पे किया क्योंकि मुझे नहीं फिक्स था कि सी ओडी मैं कहाँ रखूं जैसे ही मुझे ई मिला तब मुझे पता चल गया कि सी ओडी को कहाँ रखना इसीलिए मैंने उस कंडीशन को होल्ड किया ताकि मैं बाकी कुछ चीजें और अगर निकाल सकूं तो निकाल लूँ तो मुझे ई मिल गया जैसे ही ई मिला तो सीओडी फिक्स कर दिया मैंने ठीक है चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई हाँ भाई क्या बोला एक बार और करना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार और करना पड़ेगा भाई देखो मेंस के क्वेश्चंस तो एक बार नहीं चार बार और करने चाहिए ठीक, है ना? चार बार और करने चाहिए। ठीक? ये इसका और यहां आ गया पूरा का पूरा ये और, ठीक है अच्छा आप लोगों को शायद पूछा गया था कि फोर्थ नंबर पे कौन है मंथ फोर्थ, फोर्थ तो जी आंसर आया था जो कि जी सही है बिल्कुल सही वेरी गुड तो ये है, रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन एट पीपल्स फ्रॉम एट डिफरेंट कंट्रीज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज नेशनल एनिमल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है क्वेश्चन टफ नहीं है आसान है नॉर्मल है परेशान मत होना इतना सब देख के यार यार इतना सब कुछ है कैसे करेंगे एट डिफरेंट पर्सन हैं एट डिफरेंट कंट्रीज हैं एट डिफरेंट पॉपुलेशन है और एट डिफरेंट नेशनल एनिमल्स बस और कुछ थोड़ी है इतना ही तो है तो ये तो कर ही लोगे चुटकियों में तो करो नॉर्मल है ट्रस्ट मी नॉर्मल क्वेश्चन है ज्यादा टफ नहीं है तो कर लोगे आराम से पांच मिनट का समय दे रहा हूं ठीक है करो mm <laughs> हाँ जी भाई किसी का हो पाया क्या एनी वन किसी का हुआ क्या जल्दी बताइए एक मिनट ज्यादा हो चुका है वन मिनट जल्दी बताओ चलो यार अब काफी टाइम दे दिया मैंने डेढ़ मिनट का समय एक्स्ट्रा हो गया साढ़े छः मिनट हो चुके हैं ठीक है so, सो अब इसका आंसर बताइए व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल नेपाल की जनसंख्या क्या है जल्दी से बताइए व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल बताइए पाँच मिनट प्लस ढाई मिनट साढ़े सात मिनट हो चुके हैं मूव करें देखो पजल्स के दौरान बस एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी हमेशा से वो ये रहेगी कि अगर आप पजल नहीं बना पाते हो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हमसे नहीं बन पाया है तो हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में अभी नहीं बन पा रहा है धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए डेली डेली लगाइए पजल्स अपने आप बन जाएंगे ठीक है चलो फोर्टी वन हो सकती अरे हो सकती है हो सकती है चलो हो सकती है ठीक है ना हम हो सकती वाले पे ही आपका टिक कर देते मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता कि क्या है हम कह रहे हैं भाई चलो हो ही सकती है तो देख ही लेंगे फिर हो क्या सकती है कुछ तो बोला किसी ने सब सन्नाटा बना हुआ था एटलीस्ट कोई तो बोला ये देखो निकाब पटीदार आई इकतालीस सैतीस और पच्चीस एक कोई अब थोड़ा सा सीरियस की ओर बढ़ते हैं ठीक है और चलते हैं फिर अपने सोल्यूशन की तरफ आठ पर्सन है आठ कंट्रीज हैं आठ पॉपुलेशन हैं और आठ नेशनल एनिमल्स ठीक तो सो हमने क्या किया है हमने पर्सन के नाम ले लिए क्योंकि अब यहां पे कुछ भी ऐसा है नहीं कि uh, मतलब जिसको हम बेस लें तो हमने पर्सन के नाम ही ले ली कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं ना ठीक है थर्टी सेवन आ रहा है किसका आ रहा है अनुराग थापा का आ रहा है पच्चीस नहीं हो सकती तीन से ज्यादा ही है नेपाल अच्छा पच्चीस नहीं हो सकती अनुराग का आ रहा है सैतीस चलो देखते हैं ओके okay, लिखा है नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल इज एलिफेंट ओके तो नेपाल इज एलिफेंट सही आगे चलते लिखा है डिफरेंस इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश सेम एज द डिफरेंस ऑफ श्रीलंका एंड बांग्लादेश अच्छा तो इंडिया एंड बांग्लादेश श्रीलंका एंड बांग्लादेश तो बांग्लादेश बीच में आएगा एंड फिर यहां पे आ जाएगा इंडिया और यहां पे आ जाएगा श्रीलंका ठीक है ना कहने का अर्थात कि बांग्लादेश और इंडिया में जितने का गैप है पॉपुलेशन का उतना ही गैप बांग्लादेश और श्रीलंका में है ठीक है ना किसका ज्यादा किसका कम पता नहीं लेकिन बीच वैल्यू पता है बैंगलोर बांग्लादेश है बैंगलोर कह रहा हूं एक काम और करते हैं जरा पॉपुलेशन सारी लिख लेते हैं सत्रह तेईस सैतीस 23 पच्चीस सैतीस थी शायद फिर इकतालीस थी ठीक है इसके बाद क्या है सत्रह तेईस पच्चीस सैतीस इकतालीस छप्पन चौसठ बहत्तर छप्पन चौसठ और बहत्तर सही है एक दो तीन चार पांच छह आठ ठीक चलो आगे देखते हैं ठीक है, <laughs> है। यह लिखा है नेशनल एनिमल ऑफ श्रीलंका तो श्रीलंका फॉक्स आगे क्या लिखा है बी बिलोंग्स टू चाइना बी बिलोंग्स टू चाइना यहां हम कंट्रीज लिखेंगे यहां हम उनकी पॉपुलेशन लिखेंगे यहां हम उनके नेशनल एनिमल्स लिखेंगे आगे चलते हैं। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश ओके तो टाइगर एज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश फिर लिखा है एफ एंड सी डज नॉट बिलोंग्स टू बांग्लादेश इसको ऐसे करो यहां से एफ और सी लिखते हैं यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा और बांग्लादेश ऐसे करते ठीक है ना एफ और सी जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करते सही है आगे लिखा है डियर इज द नेशनल एनिमल ऑफ दैट कंट्री विच बिलोंग्स टू जी तो जी के पास क्या है डियर है डियर है ओके जी नॉट बिलोंग्स टू यूएसए तो यूएसए यहां पे नहीं आएगा सही है फिर लिखा है द डिफरेंस इन पॉपुलेशन ऑफ भूटान एंड नेपाल इज हाफ द डिफरेंस ऑफ यूएसए एंड मलेशिया अच्छा जी तो भूटान एंड नेपाल नेपाल नापाल कर रहा हूं बार बार भूटान एंड नेपाल इन दोनों की जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो क्या है उसका आधा है डिफरेंस इज हाफ द डिफरेंस इज एंड मलेशिया यूएसए और मलेशिया की डिफरेंस का क्या है आधा है सही है ठीक है ना आगे चल सकते हो एच इज फ्रॉम भूटान तो एच इज फ्रॉम भूटान एंड इट्स नेशनल एनिमल इज बफलो बफलो ठीक नेशनल एनिमल ऑफ अ कंट्री विच बिलोंग्स टू बी इज अ मंकी तो बी इज अ मंकी सही नेशनल एनिमल ऑफ अ कंट्री इन विच ई बिलोंग्स इज अ एलिफेंट तो ई इज अ अलिफेंट अच्छा एलिफेंट को पढ़ते ही ध्यान में कुछ आया एलिफेंट क्या था नेपाल था तो नेपाल यहां पे आ जाएगा नेपाल यहां पे आ जाएगा सही है आगे चल सकते हैं okay. ओके सब कुछ फिट फाइन चल रहा है आगे चलते हैं okay. ओके यहां पे डी इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश एंड देयर एनिमल इज नॉट लायन ठीक है डी इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश तो डी इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश अब यहां पे एक बात लिखी है जो कि बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से लिखी गई है अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप गड़बड़ कर दो ठीक है ना क्या लिखा है डी इज नॉट फ्रॉम बांग्लादेश एंड एंड किसके लिए यूज हुआ है डी के लिए है ना तो डी इज मतलब डी का जो नेशनल एनिमल है वो लायन नहीं है ये एक ऐसी लाइन लिखी थी जो इतने फ्लो में लिखी है कि आपको ये लगेगा कि बांग्लादेश का नेशनल एनिमल लायन नहीं है जबकि डी का नेशनल एनिमल लायन नहीं है ये बोला गया है ठीक है अच्छा तो अब जरा बांग्लादेश कहां पे आ सकता है ये देखें एफ सी और डी पे तो आएगा नहीं सी पे नहीं आएगा डी पे नहीं आएगा एफ पे नहीं आएगा जी पे आ जाएगा क्या नहीं क्यों क्योंकि जी पे मुझे डीआर रखा हुआ है और बांग्लादेश टाइगर है तो यहां पे तो आएगा नहीं तो बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा और इसका नेशनल एनिमल टाइगर हो जाएगा इतनी बात तो सेट हो गई है मेरे हिसाब से सही है आगे बढ़ते द लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ दैट कंट्री हूज पॉपुलेशन इज ए सेवेंटी टू तो लायन सेवेंटी टू ठीक है ना तो लायन यहां पर नहीं है लायन सी में हो सकता है एफ में हो सकता है दोनों में से किसी की भी पॉपुलेशन जो है वो सेवनटी टू हो सकती है आगे देखेंगे किसकी होगी भूटान हैज मोर पॉपुलेशन देन यूएसए भूटान हैज मोर पॉपुलेशन देन यूएसए यूएसए

ठीक है कल से मैं इसको ब्लैक कर दूंगा ठीक है ना कल से मैं इसको ब्लैक कर दूंगा डोंट वरी आज थोड़ा सा मैनेज कर लो कल से इस चीज को मैं ब्लैक कर दूंगा आगे क्या लिखा है जैसे ही मुझे बांग्लादेश का ये पॉपुलेशन मिला 64 मुझे एक बात याद आई कि मुझे एक बात बोली गई थी कि बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंस है वही बांग्लादेश और श्रीलंका में है बांग्लादेश है सिक्सटी अब सिक्सटी के आगे और पीछे श्रीलंका और इंडिया होगा है ना बांग्लादेश 64 है तो 64 के इधर और इधर क्या होगा इधर और इधर श्रीलंका और इंडिया होगा ठीक है 56 और 72 क्या हो सकता है जरा देखना 64 और 72 में कितने का गैप है आठ का तो इसमें भी आठ का गैप होना चाहिए 56 और 64 में आठ का गैप है बिल्कुल सही है दोनों में जो गैपिंग है वो सेम है अभी मुझे पता है सेवेंटी क्या है सेवेंटी है लायन सेवेंटी क्या है लायन और इंडिया और श्रीलंका में से कोई एक होगा इंडिया और श्रीलंका में से कोई एक होगा जिसमें से श्रीलंका मुझे पता है फॉक्स है श्रीलंका मुझे क्या है पता है फॉक्स है तो जब श्रीलंका फॉक्स है तो इंडिया क्या होगा इंडिया हो जाएगा लायन इंडिया क्या हो जाएगा लायन हो जाएगा जाए तो इतनी बात सही है इंडिया क्या हो जाएगा लायन हो जाएगा अभी सेवनटी टू कहां पर आएगा और श्रीलंका भी नहीं रखा है ना मैंने तो श्रीलंका कहां आएगा पता नहीं देखेंगे आगे चल के बस इतना हमें पता चल गया कि इंडिया लायन 72 और श्रीलंका 56 और फॉक्स हमें पता ही है इतनी चीजें क्लियर हो गई आगे चलते हैं द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल ये द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल इज ग्रेटर देन भूटान अच्छा जी भूटान से ऊपर है नेपाल यहां पर मैं इसको यूएसए भूटान नेपाल

सही है ओके ठीक है सब सही चल रहा है फिर लिखा है सी बिलोंग्स सी बिलोंग्स टू दैट कंट्री हूस पॉपुलेशन इज नॉट सेवेंटी टू तो यहां पे सेवेंटी टू नहीं आएगा सी बिलोंग्स टू दैट कंट्री जहां की पॉपुलेशन सेवेंटी टू नहीं है ध्यान से देखना सी यहां पे नहीं आएगा सेवेंटी टू यहां नहीं आएगा सेवेंटी टू यहां भी नहीं आएगा क्योंकि लायन सेवेंटी टू है तो सेवेंटी टू के लिए यही बचा क्योंकि 72 टू और इंडिया पूरा का पूरा एक साथ रखना है तो इंडिया यहां पे आ जाएगा सेवेंटी टू यहां आ जाएगा और इंडिया यहां क्या लिख रहा हूं यहां पे यहां पे क्या आएगा लायन आएगा ठीक है लायन यहां पे आ जाएगा सही है इतनी बातें सही है ना ठीक है अब आपको एक और बात नहीं अभी नहीं श्रीलंका फॉक्स तो सी ओडी दोनों में से कहीं भी आ सकते है ना आगे चलते फिर लिखा है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन डी बिलोंग्स इज नॉट ट्वेंटी यहां पर पच्चीस नहीं आएगा पच्चीस नहीं आएगा पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव सॉरी पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन ट्वेंटी अच्छा तो अब ट्वेंटी फाइव से लेस क्या है ट्वेंटी फाइव से लेस क्या है सत्रह और तेईस चाइना की पॉपुलेशन पच्चीस से कम है और पच्चीस से कम क्या है तेईस और सत्रह जिसमें से बोला है कि चाइना की पॉपुलेशन मलेशिया से भी मलेशिया से ज्यादा है लेकिन मलेशिया की कम है चाइना से ना अगर चाइना पच्चीस से कम है और चाइना के लिए दो ही संभावना है तेईस और सत्रह जिसमें से चाइना के नीचे मलेशिया है तो चाइना क्या हो जाएगी चाइना हो जाएगी आपकी तेईस चाइना हो जाएगी तेईस और मलेशिया क्या हो जाएगी मलेशिया हो जाएगी सत्रह मलेशिया क्या हो जाएगी मलेशिया हो जाएगी सत्रह इतना बात क्लियर हो गया मलेशिया हो जाएगी सत्रह इतना बात क्लियर हो गया बोलो भाई इतनी बातें क्लियर होंगी अब जरा मुझे कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है ये वाली चीज को मैं इस्तेमाल कर चुका हूं श्रीलंका है वो वो अभी बचा है है वहां लिख दूंगा जहां फॉक्स लिखा ठीक है।, है ना नेपाल एलिफेंट में यूज कर चुका हूं बांग्लादेश टाइगर में यूज कर चुका ठीक है ना लायन सेवेंटी टू इंडिया यूज कर चुका ठीक है अब जो जो मेरे पास कंडीशंस बची हैं सिर्फ वही लिखी हुई है बाकी सबका इस्तेमाल हो चुका सही है ओके। है ओके ठीक ठीक अब जरा ये देखो कि कौन कौन से पॉपुलेशन बचे हैं सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन से पॉपुलेशन बचे हैं मलेशिया हो गया 17 अभी पॉपुलेशन कौन सा बचा है एक 25 बचा है, है ना? एक अभी बचा है 37 जो जो अभी हमने फिट नहीं किए हैं आ, अच्छा मलेशिया भी तो अभी फिट नहीं किया है ना तो मलेशिया भी लिख ही देते हैं हाथ की आप क्योंकि मलेशिया से रिलेटेड हमारे पास एक कंडीशन भी तो लिखी है ना यहाँ पे मलेशिया तो सेवनटीन ट्वेंटी थ्री हो चुका है ना ट्वेंटी फाइव ठीक है इसके बाद थर्टी सेवन अभी कहीं नहीं लिखा है फोर्टी वन कहीं नहीं लिखा है ठीक है फोर्टी वन नहीं फिफ्टी सिक्स हो चुका है सिक्सटी फोर हो चुका है सेवनटी टू हो चुका है ठीक है ना फिफ्टी सिक्स कहीं पे भी लिख देंगे अब ध्यान से देखना भूटान नेपाल यूएसए मलेशिया जिसमें से मलेशिया सेवनटीन है बाकी यूएसए नेपाल और भूटान इनमें से तीन होंगे कोई पच्चीस सैंतीस और इकतालीस पच्चीस सैंतीस और इकतालीस में से भूटान नेपाल और यूएसए होंगे अब जरा ध्यान से देखना इन दोनों का डिफरेंस का जो इन दोनों का जो पॉपुलेशन है उनका डिफरेंस वो क्या है आधा है किसके आधा है यूएसए और मलेशिया का मलेशिया जब सत्रह है और मान लेते हैं कि सत्रह में से पच्चीस घटाया मान लेते हैं सत्रह में से पच्चीस घटाया ठीक है पच्चीस घटाया तो यूएसए हो जाएगा पच्चीस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आठ हुआ और आठ का आधा कितना होता है चार होता है क्या यहां पे चार आ रहा है बिल्कुल आ सैतीस और इकतालीस का जो डिफरेंस होता है वो चार होता है कोई और पॉसिबिलिटी लेके देख लेते हैं भाई आपके दिल की तसल्ली हो जाए ठीक सत्रह में से कुछ और माइनस करके देख लो सत्रह में से अगर मैं सैतीस को माइनस करता हूं सत्रह में से सैतीस को माइनस के आया बीस बीस का आधा हो गया दस क्या पच्चीस और इकतालीस का डिफरेंस दस होता है नहीं होता है सत्रह में से माइनस कर लो इकतालीस सत्रह में से माइनस मेरा? मेरा चार और चार और बारह बिल्कुल बारह सही तो यहां पे अपनी जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर ये दोनों हमने मलेशिया यूएस से लिया तो आठ डिवाइडेड बाई टू आएगा चार जो कि हो जाएगा सैंतीस और इकतालीस और अगर हमने सत्रह और इकतालीस ले लिया सत्रह और इकतालीस दोनों का डिफरेंस हुआ चौबीस डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आएगा बारह और जो कि इन दोनों का डिफरेंस है पच्चीस और का सही है ठीक सही है ना तो अभी हमारे पास में ये डाउट है कि यार सत्रह तो मलेशिया है ही यूएसए को पच्चीस लें कि इकतालीस लें यूएसए को पच्चीस लें कि इकतालीस लें ये एक डाउट आ रहा है ठीक है ओके okay. तो सबसे पहले चीजों को सेट करने की कोशिश करो कि यहां पे कौन कौन आ जाएगा उसके बाद अपने आप चीजें सेट मतलब अपने आप जो है हम रखना शुरू कर देंगे अपने आप हो जाएगा सब कुछ ठीक है कोई कंडीशन छूटी तो नहीं है इन दोनों में से सीओ डी में से कोई कंडीशन छूटी तो नहीं एफ इंडिया लाइन सेवन टू एफ इंडिया लाइन वो तो कर दिया मैंने

अभी हमारे पास सी और डी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं लाइन हो नहीं सकता पच्चीस 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 वो होगा जो यूएसए होगा अब ध्यान 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 से 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 देखना 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 अब एक बात यहां पे बनेंगी दो पॉसिबिलिटीज है ना क्योंकि यूएसए हमारे पास जी नहीं है यूएसए या तो सी है या डी है ध्यान से देखना यूएसए जी नहीं है यूएसए सी और डी में से कोई होगा है ना तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी एक बार यूएसए को यहां रखो एक बार यूएसए को यहां रखो फिर आगे ये चीजें कंटिन्यू करो लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी में यहां पे डन करना है एक पॉसिबिलिटी में यहां पे डन करना है तो एक चीज आप कर सकते हो कि यूएसए एक तो 25 नहीं है सॉरी जी नहीं है यूएसए एक तो जी नहीं है और यूएसए को यहां पे इन दोनों में से किसी एक जगह पर हटा दो कैसे हटा दे अगर हम यूएसए को पच्चीस ले लेते हैं क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी यूएसए के लिए क्या आ रही है यूएसए के लिए दो पॉसिबिलिटीज आ रही है एक आ रही है पच्चीस और एक आ रही है इकतालीस ठीक है ना एक आ रही है पच्चीस और एक आ रही है इकतालीस तो या तो आप यूएसए को पच्चीस ले लो या फिर इकतालीस ले लो अगर पच्चीस लोगे अगर पच्चीस लोगे तो एक ही पॉसिबिलिटी में काम हो जाएगा क्यों क्योंकि यूएसए यहां नहीं आएगा और यूएसए यहां नहीं आएगा यूएसए को सी पर रख दोगे लेकिन अगर आपने यूएसए इकतालीस लिया तो फर्दर आपकी फिर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि यूएसए डी पे भी आ जाएगा यूएसए सी पे भी आ जाएगा फर्दर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो आप अपने काम को रिड्यूस करना चाहोगे कि बढ़ाना चाहोगे मेरा तो कहना यही है आप अपने काम को रिड्यूस करो ये पॉसिबिलिटी गलत हो मैं ये नहीं कह रहा कि पच्चीस लेना ही एक सही तरीका है यूएसए को ध्यान से देखना मेरे वर्ड्स को क्या मैं बोल रहा हूं यूएसए को पच्चीस लेना ही सही नहीं है लेकिन प्राथमिकता जो होती है कि 25 ले कि 41 ले तो उसमें जो पहले चूज करोगे वो आप 25 को चूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप 25 को चूज करोगे तो आपकी एक पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो रही है एक ही पॉसिबिलिटी में काम हो जाएगा जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है वो हट जा रही है वो गलत हो जाए तो इकतालीस तो अपने पास ऑप्शन है ही ना वो कहीं खत्म थोड़ी हो गया समझ में आया क्या कहना चाह रहा था यूएसए पच्चीस और इकतालीस में से कुछ होगा क्योंकि सत्रह में से पच्चीस घटाऊं तो आठ बचेगा आठ डिवाइडेड बाई टू चार और सत्रह में से अगर इकतालीस घटाऊंगा तो बचेगा चौबीस चौबीस डिवाइड बाई टू तो पच्चीस और इकतालीस में से मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि आप पच्चीस को लीजिए अगर यूएस से पच्चीस डन किया तो यूएसए यहां नहीं आएगा यूएसए यहां तो है ही नहीं तो यूएसए कहां जाएगा यूएसए यहां जाएगा और ये हो जाएगा पच्चीस ठीक अब जब यहां पर यूएसए और पच्चीस हो गया तो आपको पता है कि श्रीलंका फॉक्स छप्पन सिर्फ और सिर्फ डी पे आ सकता है तो श्रीलंका और छप्पन और फॉक्स यहां पे हो गए एक आपका बचा है अभी एनिमल कौन सा बचा है जरा देख लें कौन सा एनिमल बचा है काओ बचा है ठीक है तो काओ यहां पे आ जाएगा और यहां पे एक पर्सन सॉरी एक कंट्री बची कौन सी बची है जरा ये भी देख लेते हैं मलेशिया बची हाँ मलेशिया अब इतनी देर से मलेशिया मलेशिया हो रहा था मलेशिया यहां पे आ गई और मलेशिया का मुझे पॉपुलेशन पता है सेवनटीन ठीक है ना मलेशिया का मुझे पॉपुलेशन पता है सेवनटीन अब जब मलेशिया का सेवनटीन है और यूएसए का पच्चीस है तो क्या नेपाल और भूटान पता चल जाएगा नेपाल भूटान क्या हुए नेपाल भूटान हुए सैंतीस और इकतालीस नेपाल भूटान क्या हुए सैंतीस और इकतालीस जिसमें से आपको एक बात बताई गई थी कि नेपाल ज्यादा है भूटान से क्या है नेपाल ज्यादा है भूटान से जिसमें बताया गया था नेपाल ज्यादा है भूटान से अच्छा यहां पे एक चीज लिखी तो थी यार ये चीज मिस कर दी हमने ये चीज मिस कर दी इतना रायता फैलता ही नहीं ये चीज मिस कर दी हम्म नेपाल ज्यादा है पहले तो ये लिखते हैं इकतालीस और सैतीस ठीक है ना इतना सब कुछ करना ही मतलब यहां पे हमें वो चीज करनी नहीं पड़ती कि 25 लेके देखते हैं यूएसए को ये करना ही नहीं पड़ता देखो ध्यान से नेपाल भूटान यूएसए मलेशिया और अपने पास चार वैल्यू थी 17 25 37 41 ये चीज देखी ही नहीं ये चीज दिख जाती तो यहां पे इतना नहीं करना पड़ता यह साफ साफ पता चल रहा है सत्रह पच्चीस सैतीस इकतालीस सत्रह पच्चीस सैतीस इकतालीस सीधे आता ये करना ही नहीं पड़ता मतलब इतना जो हमने आपको समझाया वो चीज करनी ही नहीं पड़ती ठीक है ना हाँ। बात समझ में आई ये ये चीज समझ में आई यहां बोला गया था कि नेपाल की पॉपुलेशन भूटान से ज्यादा है भूटान की पॉपुलेशन यूएसए से ज्यादा यूएसए की पॉपुलेशन मलेशिया से ज्यादा है तो चार ही तो वैल्यू बच रही थी सत्रह पच्चीस सैंतीस इकतालीस तो ये लाइन से लगा देते वो पॉपुलेशन का वो प्रोडिक्शन कि भाई यूएसए को 25 लेके देखते हैं वो गलत हुआ तो 41 लेंगे वो लेना ही नहीं पड़ता यहीं से हो जाता काम तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बना है ठीक है समझ में आ गया देखो कभी कबाद क्या होता है यही यही मैं बता रहा हूं आपको कि कभी कबाद क्या होता है जब आप एक क्वेश्चन को चार बार लगाते हो ना जब आप एक क्वेश्चन को चार बार लगाते हो तो आपको इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसी और चीजें पता चलेंगी कि इनके इस्तेमाल से मैं क्वेश्चन और जल्दी बना सकता था मैं बीच में मैं बीच में यहां पे ये हुआ ना कि यार यूएसए को 25 लेके देखते हैं ये नहीं हुआ तो 41 लेंगे दो पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ क्यों क्योंकि ये वाली कंडीशन हमने मिस कर दी ये देखा ही नहीं ध्यान ही नहीं दिया इस पर तो जब बाद में देखा कि भाई जब एंड में जब पता चला हमको कि नेपाल और भूटान में हमें जरा देखना है कि, कि किसका ज्यादा है किसका कम है तो देखा कि यार नेपाल भूटान यूएसए मलेशिया सब लाइन से लगे हुए हैं तो बाद में इस चीज को नोटिस किया तो बार बार करने से क्वेश्चन आपको यह पता चलता है कि कुछ चीजें आप मिस मिस कर रहे थे वो नहीं करते तो आपका समय ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका होता है ना तो ये चीजें कभी कभी क्वेश्चन में मिस हो जाती हैं चीजें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यही इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके सारी कंडीशंस हमारे माइंड में रहे कोई चीज मिस ना कर पाए ठीक है तो ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है ना रोज मेंस लेवल की पजल लाना इस टास्क पहली बात। और उसके बाद इतना चिल्ला चिल्ला के आपको डेढ़ घंटा समझाना लगातार विदाउट नॉन स्टॉप मतलब बस वो पांच मिनट का जो गैप देता हूं आपको वही है ठीक है ना तो थोड़ा सा उस चीज के लिए मैं आपसे बस ये कहूंगा कि यार जो मेहनत कर रहा हूं उसको वहां तक पहुंचा दो बस कहां तक एटलीस्ट शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों तक जहां तक भी आप कर सकते चौबीस 24 मंथ uh, की जो सब्सक्रिप्शन uh, है अंडर ग्रेजुएट्स पर्सन को मैं जो है सजेस्ट करूंगा और बारह महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को सजेस्ट करूंगा ठीक है ना कोड इस्तेमाल कर सकते हो आप गर्ग जी ए आर जी इसके इस्तेमाल से आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर कल आपका रीजनिंग का मॉक पेपर होगा दस बजे हमारा डेली होता है बट संडे को हमने नहीं किया था मतलब आज नहीं किया था बिकॉज ऑफ कॉम्बैट तो कल हम कल हम करेंगे वन फिफ्टी सिक्स मॉक ठीक है और आज हमने बारवा दिन किया था इसका ट्वेल्थ डे हमने इसका किया था कल हम करेंगे थर्टीन डे जिसमें पंद्रह क्वेश्चन करेंगे साढ़े आठ बजे और फिर पंद्रह क्वेश्चन करेंगे साढ़े ग्यारह बजे ठीक है और उसके बाद डेली बजे आपका ये पजल्स का सेशन होता है तो पूरा का पूरा शेड्यूल 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 क्या होता है शेड्यूल स्केड्यूल शेड्यूल भी नहीं होता शेड्यूल भी नहीं होता स्केड्यूल होता है तो पूरा का पूरा स्केड्यूल मैंने लगा दिया शेड्यूल ठीक है तो स्केड्यूल पूरा का पूरा लगा दिया है और अगर किसी ने भी अभी तक प्रोफाइल फॉलो नहीं करी है देन डू फॉलो द तो प्रोफाइल कहां पे करनी है जरा ध्यान से देखो ये आपकी वीडियो चल रही है ठीक है ना इसको लाइव करो पहले तो ये आपकी वीडियो चल रही है ठीक है ना पहले तो यार सेशन को लाइक कर दीजिएगा ठीक उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप जाओगे तो शुभमगर प्रोफाइल लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सीधे मेरी प्रोफाइल पेज पे पहुंचोगे कहां पहुंचोगे सीधे मेरी प्रोफाइल पेज पे पहुंचोगे तो यहां पे आप प्रोफाइल पेज पे पहुंच के इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो पहली बात दूसरी बात स्पेशल क्लासेस होती हैं आज ये इलेवन पॉइंट टू नहीं है ये ट्वेल्व पॉइंट टू है मैंने नाम गलत मतलब ये डे जो है गलत पड़ गया था मेरे से थाउजेंड क्वेश्चन टू था और ये ट्वेल्व पॉइंट वन था आज हमने मॉक पेपर नहीं किया था क्योंकि देखो हम इलेवन पॉइंट कर चुके हैं इलेवन पॉइंट वन भी पहले कर चुके हैं और वन फिफ्टी फिफ्थ मॉक हम कर चुके कल हम करेंगे मॉक ठीक दूसरी बात शुभम गर्ग प्रोफाइल लिंक के नाम से एक और चीज आपको दिख रही है जो कि है टेलीग्राम चैनल शुभम गर्ग रीजनिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है

रीजनिंग के मिसलेनियस सेशन में जहां करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ठीक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सेशन को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना बाय टेक केयर।